कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज की खबरों में खाद्य मार्केट में खास तौर से सरसों सीड के बाजार के बारे में। आज जानेंगे क्या कीमतें देखी जा रही हैं, सरसों सीड में किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड मार्केट में आज आपको देखने को मिल सकता है। विस्तार से इस बारे में बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ अब खबरों में अंत तक जरूर बन रहिए। सरसों सीड के दाम बाजारों में हल्के से कमजोर देखे जा रहे हैं। मलेशिया में पाम तेल के दाम कमजोर देखे गए हैं। विदेशी बाजारों में जो गिरावट देखी जा रही है उसको देखते हुए घरेलू मार्केट में भी आज 10 से लेकर 25 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार बाजारों में देखा गया है। मलेशिया में नवंबर महीने के वायदा अनुबंध में पाम तेल के दाम 20 रिंगिट तक कमजोर होकर 3,846 रिंगिट प्रति टन रह गए हैं। शिकागो में भी सोया तेल की कीमतों में गिरावट के साथ ही कारोबार देखा गया है। कीमतों के बारे में अगर बात करते हैं तो सरसों सीड में भी गिरावट आई है। जयपुर का रेट 5900 है। दिल्ली कीमतें 5600 चल रही है। ग्वालियर का रेट 5300 से लेकर 5400 के बीच है। हिसार का रेट 5400 से लेकर 5500 के बीच देखा जा रहा है। गोयल कोटा कीमतें 5800 चल रही हैं। सुमेरपुर का रेट आपको 5500 से लेकर 5600 के बीच बाजारों में देखने को मिल सकता है। 100 रुपए तक बढ़े हैं। यहाँ पर भरतपुर की कीमतें 5526 रुपए चल रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्लांटों के बारे में तो सलोनी शमशाबाद का जो रेट चल रहा है सरसों सीड में वो 6275 रुपए है, जिसमें 50 रुपए तक की हल्की सी नरमी दर्ज करी गई है। सलोनी डिग्नेर कीमतें 6300 है, जिसमें भी 50 रुपए तक की हल्की सी गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी अलवर का रेट 6300 चल रहा है, जिसमें 50 तक की गिरावट आई है। सरोरी कोटा कीमतें भी आप 6250 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। मार्केट में ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है वो आपको हल्का सा नेगेटिव जरूर देखने को मिलेगा। विदेशी बाजारों में गिरावट को देखते हुए घरेलू मार्केट में सरसों तेल के दाम में भी आज 20 रुपए तक की नरमी आज देखी जा रही है, जबकि खल में भी ग्राहक की फिलहाल कमजोरी देखी गई है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, stay safe. Thanks for watching Bureau Report News Market 24.